नमस्कार, मैं दुष्यंत शुक्ला। देखिए, शुभकामनाएं तो हमेशा हैं, क्योंकि एक भगवान का काम है, एक पवित्र पावन अवसर है। लेकिन त्यौहार के साथ साथ हमारे लिए ये जानना बड़ा आवश्यक होता है कि गणेश उत्सव क्या है, हम इसको क्यों मना रहे हैं, ये कब से मनता आ रहा है। तो इस विषय में मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि गणेश उत्सव जो हम आज मना रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है, उसके भी पहले से मनाया जा रहा है। और पहले जो कुछ प्रख्यात बड़े परिवार हुआ करते थे, उनमें ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। गणेश उत्सव का जो ये त्यौहार है, ये मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हमारे गोवा में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और बाल गंगाधर तिलक साहब ने बहुत प्रयत्न किया कि जो एक छुआछूत होती है, उस छुआछूत को मिटाया जाए, सब एक दूसरे के घर जाएं, आए, साथ में बैठें, प्रसाद ग्रहण करें, आपसी भाईचारा बढ़े, एक सद्भावना का भाव हो हम सब के मन में। और धीरे धीरे इस त्यौहार को, इस उत्सव को धीरे धीरे जिसको कहना चाहिए कि एक माइलेज मिलता गया। और उसके साथ साथ धीरे धीरे आज हम देखते हैं कि हमारे घर में, गली में, मंडल में, हर जगह गणेश जी महाराज विराजमान है। अच्छा, पहले जब ये प्रारंभ हुआ गणेश उत्सव, तो उस समय इसका पर्पस था कि हिंदुत्व को थोड़ी मजबूती दी जाए, जो हिंदू बिखरा हुआ है, हिंदू जुड़े। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकमान्य तिलक जी एक आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ी हस्ती थे, वो शिक्षक थे, वो वकील थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने जो उस समय मैनेजमेंट किया, जो उस समय उनकी दूरदृष्टि थी, उसका जो परिणाम हुआ, उससे जो सफलता हमारे को मिली, वो हमें धीरे धीरे देखने को मिली, लेकिन आज दिख रही है। और वो इस रूप में दिख रही है कि आज सिर्फ हिंदू संगठित नहीं है, हिंदुओं के साथ साथ अन्य समुदायों के, अन्य धर्मों के जो लोग हैं, वो भी गणेश जी महाराज को मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। गणेश उत्सव का जब भी कोई हमारा ये 11 दिन का कार्यक्रम होता है, इसमें पूजा अर्चना में भाग लेते हैं, अपनी जो भी मन की कामनाएं होती हैं वो आके बोल के जाते हैं। और जब उनकी कामनाएं पूरी होती हैं, तो फिर वो अपने बोले अनुसार जो भी उनको प्रसाद चढ़ाना है या घर में गणपति बिठाना है, वो करते हैं। आपको मुंबई में, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मुंबई में ऐसे कई घर मिलेंगे जो हिंदुओं के नहीं है, लेकिन वहाँ पे गणपति बैठते हैं, क्योंकि उनकी जो कही हुई बातें थी, जो उनकी मन की कहीं ना कहीं इच्छाएं थी, वो गणेश जी महाराज ने पूरी करी है। गणेश जी महाराज शुभता के प्रतीक हैं, भगवान सबको शुभता दें, सबको मंगलमय जीवन दें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हमारा मंडल है विकास नेपाली मंडल, उसका 35वां वर्ष है, हम लोग भी बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने जा रहे हैं। आप सबको निवेदन करता हूँ कि आप सब भी पधारें। धन्यवाद।